नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। 14 दिन के लिए जेल से बाहर आ चुके हैं हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला। पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी बढ़ती उम्र और दिव्यांगता के चलते समय से पहले सजा माफ करने की अर्जी भी लगाई थी। शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा काट रहे पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को मंगलवार 14 दिन की पैरोल पर वे तिहाड़ जेल से बाहर आ चुके हैं। ओम प्रकाश चौटाला की दिल्ली सरकार ने बिना किसी शर्त के पैरोल भी मंजूर कर ली। इसके चलते माना जा रहा है कि वह जेल से बाहर आते ही अब इंडियन नेशनल लोकदल के संगठन की मजबूती के लिए पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे और लोकसभा चुनाव में हुई करारी हार के बाद पार्टी की रणनीतिकारों ने चौटाला के दौरे की रूपरेखा भी तैयार कर ली है। आपको बता दें कि इससे पहले पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी बढ़ती उम्र और दिव्यांगता के चलते समय से पहले सजा माफ करने की अर्जी लगाई थी। हाई कोर्ट ने इस याचिका के निपटारे के लिए दिल्ली सरकार के आदेश दिए थे, मगर अभी तक ये याचिका दिल्ली सरकार के विचाराधीन है। ओम प्रकाश चौटाला की 14 दिन की पैरोल भी लोकसभा चुनाव से पहले मंजूर हुई थी, मगर इसमें दिल्ली सरकार ने शर्त लगाती थी। इसमें चुनाव प्रचार और जनसंपर्क पर रोक जैसी शर्तें थी, जिसके कारण वह पैरोल पर नहीं आ पाए थे। लेकिन अब जबकि चुनाव हो चुके हैं, अब दिल्ली सरकार ने बिना किसी शर्त के पैरोल पर मंजूरी दे दी है। इसलिए पार्टी ने 84 वर्षीय ओम प्रकाश चौटाला के साथ सभी जिलों के कार्यकर्ताओं की बैठक प्रस्तावित भी की है। दोस्तों, आज हम आपको जिला स्तरीय बैठकों के जो कार्यक्रम होने हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इंडियन नेशनल नेशनल जो पार्टी है INLD की तरफ से जो सूची जारी की गई है वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले 29 मई को जो था PAC के अंदर बैठक थी 11 मीना बाग दिल्ली में 11 बजे। उसके बाद 30 मई सिरसा में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला वहाँ पहुँचे और दोबारा 31 मई सिरसा में 11 बजे एक कार्यकर्ताओं की बैठक होगी। इसके बाद फतेहाबाद में 5 बजे 31 मई को ही होगी। फिर 1 जून को राज्य कार्यकारिणी की बैठक होगी हिसार में, वो भी होगी 11 बजे। अब चलते हैं और बताते हैं आपको कि 2 जून को भिवानी में 11 बजे बैठक होगी, लेकिन 10 और 11 के बीच में ये बैठक हो सकती है। उसी दिन दादरी में भी 1 बजे बैठक होगी और झज्जर में भी 5 बजे बैठक होगी। फिर 3 जून को फरीदाबाद में 10 बजे बैठक बुलाई गई है और पलवल में 1 बजे ये बैठक आयोजित होगी। नूह में इफ्तार पार्टी के साथ ये बैठक होनी है और 5 बजे होगी। वहीं 4 जून को महेंद्रगढ़ में 10 बजे बैठक का आयोजन किया जाएगा। रेवाड़ी में 1 बजे होगी। गुरुग्राम में 5 बजे ये बैठक आयोजित होगी। इसके अलावा ओम प्रकाश चौटाला 5 जून को सोनीपत में 10 बजे बैठक करेंगे और फिर पानीपत में 1 बजे बैठक होगी और रोहतक में 5 बजे बैठक की जाएगी। इसी तरह से शेड्यूल को आगे बढ़ाते हुए 6 जून को जींद में 10 बजे बैठक का आयोजन किया जाएगा। कैथल में 1 बजे, अम्बाला में 5 बजे इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा 7 जून को विश्राम गृह चंडीगढ़ में, 8 जून को यमुनानगर में 10 बजे बैठक का आयोजन होगा, कुरुक्षेत्र में 1 बजे, करनाल में 5 बजे। लेकिन 7 जून को चंडीगढ़ में विश्राम होगा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का, वहां पर कोई बैठक नहीं होगी। तो ये थी जिला स्तरीय बैठकों का एक कार्यक्रम, जिसकी लिस्ट भी हमने आपको दिखाई है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की अन्य खबरों और कवरेज के लिए देखते रहिए पल पल की एक विशेष रिपोर्ट।